कर्नाटक में रुझानों में आगे निकलने के बाद अब कांग्रेस ने अपने जीतने वाले विधायकों को एक जगह इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। पार्टी ने विधायकों की खरीद फरोख्त के डर से अपने प्रत्याशियों को बेंगलुरु बुलाया है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की सारी स्थिति संभालने को कहा गया है। टाइम्स नाउ की खबर में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि कांग्रेस ने फ्लाइट और हेलीकॉप्टर भी बुक कर दिए हैं ताकि जीतने वाले विधायकों को बेंगलुरु पहुंचाया जा सके। रिपोर्ट के अनुसार विधायकों के लिए कुछ खास व्यवस्थाएं की गई है। उन्हें रखने के लिए रिजोर्ट का इंतजाम किया गया है ताकि कोई पार्टी उन्हें खरीद न सके या फिर उनके विधायक भी लालच में दूसरे पाले में न जा सके। बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों की तस्वीरों में लगातार कांग्रेस आगे चल रही है, लेकिन बावजूद इसके उन्हें अपने पार्टी के विधायकों पर भरोसा नहीं है। साल 2019 में चुनाव के बाद कांग्रेस और जेडीएस के 17 विधायकों ने अपनी पार्टियों से इस्तीफा देकर भाजपा को ज्वाइन किया था। इसके बाद कुमारस्वामी सरकार गिर गई थी और भाजपा ने अपनी सरकार राज्य में बनाई थी। इस समय सामने आ रहे मतगणना के रुझानों में 224 विधानसभा सीट में कांग्रेस को 110 सीटों से ज्यादा मिलती दिख रही है। ऐसे में लगातार सवाल उठ रहा है कि स्थिति कहीं 2019 जैसी न हो। फिलहाल कांग्रेस के कार्यकर्ता जस्ट में डूबे हुए हैं। उन्होंने चुनाव से पहले आरोप लगाए थे कि ईवीएम साउथ अफ्रीका से आई है, अब उन्हें इसका भी ख्याल नहीं है। महासचिव प्रियंका गांधी ने मंदिर जाकर पूजा अर्चना की है। इसके साथ ही सीएम पद के लिए जोड़ तोड़ को खत्म करने के लिए कांग्रेस आलाकमान सक्रिय हो गया है। खबर है कि कांग्रेस के सीएम पद के दोनों चेहरों सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार को दिल्ली तलब किया गया है। सिद्धारमैया पूर्व सीएम रहे हैं और डीके शिवकुमार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है। शिवकुमार पहले भी जता चुके हैं कि कर्नाटक का सीएम बनने की उनकी इच्छा है। वहीं सिद्धारमैया भी यही बात कह चुके हैं। फिर भी साफ है कि कांग्रेस आलाकमान ही अंतिम दौर पर सीएम के लिए नेता चुनने वाला है। इस बीच कांग्रेस ने चुनाव नतीजों के रुझान अपने पक्ष में आने के बाद रात 8 बजे सभी विधायकों को बेंगलुरु के हिल्टन होटल बुलाया है। यहां विधायकों की बैठक होगी। माना जा रहा है कि विधायकों की तरफ से सीएम पद के लिए प्रस्ताव पास कराकर सिद्धारमैया और शिवकुमार दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात करेंगे। कर्नाटक में अगले 2 से 3 दिन में कांग्रेस की सरकार के शपथ लेने की उम्मीद दिख रही है। बीजेपी को फिलहाल के ट्रेंड के मुताबिक विपक्ष की कुर्सी मिलती नजर आ रही है। 1985 के बाद अब तक कोई भी पार्टी लगातार दूसरी बार कर्नाटक की सत्ता में नहीं आई है। पिछली बार यहां त्रिशंकु विधानसभा थी, तब कांग्रेस ने जेडीएस को समर्थन दिया था। हालांकि 14 महीने ही सरकार चल सकी थी और फिर बीजेपी ने जोड़ तोड़ कर अपनी सरकार कर्नाटक में बना ली थी। कांग्रेस ने इस बार बीजेपी शासन में भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाया था और 5 वादे किए थे। वहीं बीजेपी बजरंग दल पर बैन और विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ी। क्या कहना है आपका इस खबर पर, जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।